हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सिंपल मेकअप लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टोनर लगा रही हूँ क्योंकि ये जो मेकअप है ये समर्स के लिए स्वेट प्रूफ है। तो यहाँ पे मैंने विटामिन सी का टोनर लिया था। देन इसके बाद में विटामिन सी वाला ही सीरम भी ले रही हूँ क्योंकि जो विटामिन सी के सीरम के टोनर्स होते हैं इसमें पसीना नहीं आता और ये स्वेट प्रूफ होते हैं। इसे मैं हाथों से हल्का थपथपाते हुए अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और इसे मैं थोड़ी देर के लिए अपने फेस पे रहने दूँगी ताकि वो अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद से मैं डे क्रीम ले रही हूँ, ये भी विटामिन सी का है। विटामिन सी के प्रोडक्ट से ये फ़ायदा होता है कि हमें गर्मियों में टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसे भी मैं अपने चेहरे पर लगा के अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। किसी भी प्रोडक्ट को लगाने के बाद से उसे थोड़ा सा टाइम दे ताकि वो चेहरे के अंदर तक चला जाए। इसके बाद से ये डे मेकअप है इसलिए मैं सनस्क्रीन ले रही हूँ क्योंकि डे मेकअप है तो कभी भी सनस्क्रीन को स्किप ना करें। इसे भी मैं हल्के हाथों से लगा के अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं करेक्टर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने ऑरेंज करेक्टर का यूज़ किया है। मैं इसे वहीं लगाऊंगी जहाँ मुझे प्रॉब्लम्स हैं, आँखों के नीचे और अपने लिप्स के आसपास, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बीबी क्रीम या फाउंडेशन का यूज़ करूँगी तो वो ग्रे हो जाता है। तो इसे मैं हल्का लगा के और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से धीरे धीरे इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। इसे मैं ज़्यादा ब्लेंड नहीं करूँगी वरना जो प्रॉब्लम्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे। इसको हाइड करने के लिए, ऑरेंज करेक्टर को हाइड करने के लिए हमेशा येलो करेक्टर का यूज़ करें, वरना आप कोई भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या फिर अगर फाउंडेशन लगाते हैं तो वो अंदर से विजिबल होता है ऑरेंज कलर। इसके बाद यहाँ पर मैंने येलो करेक्टर लिया है और उसे भी मैं हल्का हल्का अच्छे से लगा के ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो मेरा ऑरेंज करेक्टर है वो हाइड हो जाए। इसको अप्लाई करने के बाद से, मैं यहाँ पे दिन का मेकअप है इसलिए मैं सिंपली बीबी क्रीम ले रही हूँ क्योंकि फाउंडेशन से हमें थोड़ा बहुत स्वेट आता है। अगर आप दिन में कोई खास ओकेजन नहीं है तो आप नॉर्मली तैयार होने के लिए बीबी क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट होता है। इसे मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से लगाते हुए सीधे ब्लेंड करते जा रही हूँ। इसे एक ड्यूई फिनिश आती है और ये इक्वली फ्लॉलेस आपके फेस पे शो होता है। मैं कंसीलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आँखों के आसपास भी बीबी क्रीम की एक अच्छी सी लेयर लगा रही हूँ और इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँ। बीबी क्रीम को ब्लेंड करने के बाद से मैं यहाँ पे मेकअप फिक्सर का यूज़ कर रही हूँ। मेकअप फिक्सर को लगाने के बाद से जो मेरा मेकअप है वो पूरा दिन मेरे फेस पे स्टे करेगा और पसीना भी थोड़ा कम आएगा। इसे मैं लगाने के बाद से ड्राई नहीं कर रही, मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे धीरे धीरे टैप टैप करके अपने फेस पे इक्वली स्प्रेड कर रही हूँ। इसके बाद से मैंने यह कॉम्पैक्ट लिया है। कॉम्पैक्ट को मैं अपने फेस पे आँखों के नीचे जल्दी अप्लाई कर लूँगी वरना वो क्रीज हो जाता है, और अपने टी सेक्शन पे भी अप्लाई करूँगी, प्लस अपने चिक्स पे भी हल्का अप्लाई करूँगी क्योंकि मेरे चिक्स ड्राई हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे फिनिशिंग पाउडर लिया है। फिनिशिंग पाउडर सबसे बेस्ट होता है आपके स्वेट को रोकने के लिए। इसे मैं अपने ऑल ओवर पूरे फेस पे नहीं अप्लाई करूँगी, सिर्फ अपने आँखों के नीचे और टी सेक्शन पे करूँगी जहाँ मुझे पसीना आता है। आपको फेस पे जहाँ जहाँ पसीने की प्रॉब्लम है आप वहीं वहीं फिनिशिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिनिशिंग पाउडर हमारे फेस के स्वेट को बहुत हद तक रोकता है और उसे आने नहीं देता। इसको भी मैं लगा के अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद से मैं यहाँ ब्रॉन्जर का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने कॉन्टूरिंग नहीं की है। कोशिश करिए कि अगर गर्मी है तो आप क्रीम प्रोडक्ट का यूज़ बहुत कम करें। पाउडर प्रोडक्ट हमारे फेस पे पसीने को आने से बहुत हद तक रोकता है। मैंने यहाँ ब्रॉन्जर लिया है और ब्रॉन्जर से ही अपने फेस का जो भी मेरे फीचर्स हैं उनको मैं विजिबल करूँगी, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि फाउंडेशन या बीबी क्रीम के बाद से जो हमारा फेस है वो फ्लैट हो जाता है और उसके सारे फीचर्स जो हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रॉन्जर से उन्हें विजिबल करने की कोशिश कर रही हूँ। देन इसके बाद से जो मैं ब्लश भी यूज़ करूँगी वो भी मैं क्रीम नहीं पाउडर ही यूज़ करूँगी। सबसे बेस्ट है कि आप अगर दिन के टाइम में एक हाउस वाइफ हैं तो पाउडर प्रोडक्ट से अपने डेली बेसिस के लिए एक अच्छा सा मेकअप कर सकते हैं और उससे पसीना भी बहुत कम आता है। यहाँ पे मैं ब्लश का यूज़ कर रही हूँ। ब्लश को मैं लगा के हल्का हल्का ही लगा रही हूँ क्योंकि दिन का टाइम है तो हल्का ब्लश बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसके अलावा खास मेकअप नहीं किया है और बहुत ही हल्का, मतलब मैंने बहुत ही लाइटली हाइलाइट्स ली हैं। जो हाइलाइटर हैं उनको हल्का हल्का सी फेस पर लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया है। हाइलाइटर लगाने के बाद से मैं यहाँ एक बोल्ड आई मेकअप करूँगी। उससे पहले मैं अपने आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी। आप एक स्पूली की हेल्प से हल्का हल्का उसे पहले कॉम कर लें, देन पाउडर प्रोडक्ट से लेके, अगर आपके पास पाउडर आईब्रो फिलर नहीं है तो आप सबसे बेस्ट है कि कोई भी आई शेडो ले लें डार्क ब्राउन कलर का और उससे अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लें। मैंने यहाँ आईब्रोज़ को आई शेडो से ही फिल किया है डार्क ब्राउन कलर से। इसे फिल करने के बाद से हमेशा याद रखिए कि फिल करने के बाद और फिल करने से पहले स्पूली से उसे कॉम करना कभी ना भूलें, इससे एक नेचुरल इफेक्ट आता है।
मैं यहाँ से फिल करने के बाद से इस पुलियों से सेट कर रही हूँ। देन इसके बाद से हम अपनी आँखों पे आएंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आँखों के लिए मैं एक काजल से मेकअप करूँगी, उसमें मैं कुछ खास नहीं करूँगी, बस आँखों के नीचे मैं थोड़ा काजल मोटा लगाऊँगी। इससे जो आपका लुक है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और आपकी आँखें हैं वो थोड़ी बड़ी दिखती हैं। तो जितना मैं मोटा आँखों के नीचे लगाऊँगी उतनी ही मोटी काजल और सॉरी लाइनर को मैं अपने आँखों के ऊपर लगाऊँगी। और यहाँ पे मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। मैं मस्कारा लगा के अपने आँखों का जो मेकअप है इसे कंप्लीट कर रही हूँ। मस्कारा लगाने के बाद मैं लिप्स पे आती हूँ। मैं यहाँ पे एक लाइट पिंक कलर ले रही हूँ। आप अपने फेस से सूट होता हुआ कोई भी अच्छा सा कलर पिक कर सकते हैं। अगर दिन का टाइम है तो न्यूड लिपस्टिक भी आप पे बहुत सूट करेगी। और ये मेरा ऑल ओवर मेकअप लुक है पूरे दिन के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे कमेंट करें। और अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।